हाय एवरीवन, माय नेम इज शैलेश। आज के वीडियो में हम होम पेज पे वर्क करेंगे फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने डॉक में पेज वाइज फील्ड क्रिएट किया था, तो हम उसी फील्ड का यूज करके पहले हम बैक एंड में फील्ड क्रिएट करेंगे, देन आफ्टर हम फ्रंट एंड में वर्क स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम बैक एंड पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम फील्ड क्रिएट करेंगे होम पेज के लिए। तो होम पेज के लिए हमें करना होगा होम पेज मेटा बॉक्स। मेटा बॉक्स के अंदर आएगा स्लाइडर सेक्शन, अबाउट सेक्शन, स्पेशलाइज सेक्शन, काउंटर सेक्शन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम होम पेज में क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू में होम पेज मेटा बॉक्स, क्योंकि अभी हम होम पेज पे लिए कर रहे थे। इसके लिए यहाँ पे आएगा होम पेज मेटा बॉक्स। यहाँ पे होम पेज मेटा बॉक्स करके एक फील्ड क्रिएट करेंगे। देन आफ्टर होम पेज मेटा बॉक्स हमारा क्रिएट हो गया है, उसको असाइन करते हैं पेज में। तो पेज टेम्पलेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। पेज टेम्पलेट हमारा आएगा होम पेज सेव। यहाँ पे होम पेज में हमें क्या करना है, स्लाइडर सेक्शन यूज करना है। हमारा फर्स्ट सेक्शन स्लाइडर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू क्रिएट करेंगे स्लाइडर सेक्शन, इसको फील्ड असाइन करेंगे ग्रुप। इसको हम फील्ड असाइन करेंगे ग्रुप। तो अभी स्लाइडर सेक्शन में कौन सी फील्ड है तो देख लेते हैं। स्लाइडर इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और बटन लिंक है। तो यहाँ पे आएगा टाइटल, टाइटल यानी कि यहाँ पे आएगा स्लाइडर का टाइटल, एक टाइटल। नेक्स्ट है हमारा इमेज, स्लाइडर इमेज यहाँ पे आएगा इमेज। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, तो यहाँ पे ऐड आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बटन लिंक, तो यहाँ पे हम लिंक यूज करेंगे फील्ड, और नीचे ऐड करेंगे फील्ड लेबल बटन लिंक। सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्लाइडर सेक्शन के लिए सारी फील्ड क्रिएट कर दिए एज पर द डॉक्यूमेंटेशंस। टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और बटन लिंक है। तो चलो हम होम पेज पे अभी देख लेते हैं कि हमारा फील्ड यहाँ पे जनरेट हुआ है कि नहीं। यहाँ पे एडिट, तो यहाँ पे होम पेज मेटा बॉक्स में टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, बटन लिंक है। ओके ओके, यहाँ पे हमने एक गलती कर ली, क्योंकि ये जो स्लाइडर है वो यहाँ पे रिपीटर फील्ड है और यहाँ पे हमें क्रिएट किया है सिंगल के लिए करना है, तो हमें यहाँ पे चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमें जो ग्रुप ऐड किया है, ग्रुप की जगह पे हम यहाँ पे रिपीटर फील्ड यूज करेंगे। रिपीटर फील्ड यूज करने से क्या होता है कि आप मल्टीपल इमेज, मल्टीपल स्लाइडर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी रिपीटर कर दिया है और वापस हम जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, बटन लिंक है। ओके, तो अब यहाँ से हम ये डिलीट कर देते हैं कंटेंट पहले, और इसको रो असाइन करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें फील्ड ऐड किया है, ये जो कंटेंट है कैच में से आ रहा है, तो उसको हम पहले डिलीट कर देते हैं और नए कंटेंट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें सारे कंटेंट को ब्लैंक कर दिया है। ब्लैंक करने का रीजन ये है कि पहले इसके अंदर डेटाबेस में एक वर्डप्रेस का थीम सेटअप था, तो उसके लिए हम वही यूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो उसी के लिए वो कंटेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे चलो, तो हमें सारा कंटेंट डिलीट कर दिया है। अभी यहाँ पे हम चेक करते हैं, आर्किटेक्चर इज विजुअल आर्ट, ये हमारा टाइटल है। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद है हमारा बटन है। तो हम यहाँ से कंटेंट ले लेते हैं फ्रंट एंड के लिए। तो हमारा स्लाइडर सेक्शन है, स्लाइडर सेक्शन में फर्स्ट है हमारा विजुअल आर्ट, ये टाइटल है। तो यहाँ पे हम विजुअल आर्ट 1 करते हैं, क्योंकि हर एक स्लाइडर में सेम कंटेंट है, तो हम इसके लिए करते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि टाइटल चेंज हो रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम तीनों तीन स्लाइडर में 1 2 3 ऐसे टाइटल देंगे। यहाँ पे आर्ट 2 करेंगे,
और यहाँ पे आर थ्री करेंगे, यहाँ पे आर थ्री करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को हम कॉपी करते हैं, डिस्क्रिप्शन सेम रखते हैं सभी स्लाइडर में। नेक्स्ट है हमारा बटन, बटन का नेम चेक आर्ट है, तो चेक आर्ट की जगह पे हम चेक आर्ट वन कर देते हैं, यहाँ पे हैश लिंक कर दें चेक आर्ट वन। ओपन अ न्यू टैब, इसका मतलब ये होता है कि आप जो भी लिंक ओपन करोगे वो ओपन टू न्यू टैब में ओपन होगा। लिंक टेक्स्ट में आएगा चेक आर्ट टू, और लास्ट बटन में आएगा चेक आर्ट थ्री। सेव करते हैं। हमने अभी बैकएंड में फील्ड तो क्रिएट कर दिया, लेकिन हमें फ्रंटएंड में अभी डायनामिक करना बाकी है, तो हम सेकंड फील्ड यूज क्रिएट करेंगे बैकएंड में अबाउट अस के लिए। तो यहाँ पे हम नया फील्ड क्रिएट करेंगे अबाउट अस के लिए, अबाउट सेक्शन। यहाँ पे हम ग्रुप यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल स्लाइडर के मल्टीपल कैरोसेल कंटेंट नहीं है, इसके लिए हम यहाँ पे सिंगल के लिए ग्रुप यूज करेंगे। तो यहाँ पे है ग्रुप सेक्शन, तो ग्रुप सेक्शन में हमारी फील्ड कौन सी है चेक कर लेते हैं। सेक्शन टाइटल आएगा, सेक्शन टाइटल। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड इमेज, नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज है नेक्स्ट। उसके बाद है टाइटल, टाइटल के लिए टेक्स्ट ही यूज करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट है टाइटल। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, एड न्यू फील्ड, डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे। उसके बाद है राइट इमेज और लेफ्ट इमेज। राइट और लेफ्ट इमेज का ये है रीजन कि यहाँ पे जो साइड आपको देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट में इमेज है, और यहाँ पे जो नीचे बॉटम में इमेज है वो राइट में है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी दे सकते हैं कि इमेज वन और इमेज टू करके फील्ड भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे इमेज वन, यहाँ पे आएगा इमेज फील्ड, इमेज वन के लिए हो गया। नाउ सेकंड हम यहाँ पे ऐड करेंगे इमेज टू, यहाँ पे इमेज टू आएगा। सेव करते हैं और बैकएंड में चेक कर लेते हैं। तो बैकएंड में अबाउट अस सेक्शन के लिए सेक्शंस टाइटल है, सेक्शन टाइटल है, यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे इमेज वन है, यहाँ पे इमेज टू है। तो ये हमारा बैकएंड में मेटा बॉक्स जनरेट हो गया है। अभी नेक्स्ट हमारा कौन सा है फील्ड, स्पेशलाइजेशन मेटा बॉक्स। तो स्पेशलाइजेशन मेटा बॉक्स के लिए हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल स्लाइडर है, तो इसके लिए हमें रिपीटर फील्ड यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रिपीटर, और यहाँ पे ऐड करेंगे स्पेशलाइजेशन मेटा, सॉरी स्पेशलाइजेशन सेक्शन, यहाँ पे यूज करेंगे स्पेशलाइजेशन सेक्शन। रिपीटर फील्ड है, यहाँ पे टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और लर्नर बटन है। तो यहाँ पे हम फील्ड में ऐड करेंगे टाइटल। नेक्स्ट है हमारा इमेज, इमेज उसके बाद है हमारा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है हमारा लर्न मोर बटन, लर्न मोर बटन के लिए हम यूज करेंगे लिंक,
यहाँ पे बटन लिंक ऐड कर देते हैं, बटन लिंक सेव। तो स्पेशलाइजेशन सेक्शन के लिए मेटा बॉक्स हमें क्रिएट कर दिया है, यहाँ पे रो सिलेक्ट करते हैं और एक बार बैकेंड में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पेशलाइज सेक्शन का मेटा बॉक्स जनरेट हो गया है। यहाँ पे आप मल्टीपल ऐड कर सकते हो कंटेंट, जैसे कि यहाँ पे टाइटल है, सेक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, बटन लिंक है, डिस्क्रिप्शन है। यह हमारा स्पेशलाइज सेक्शन के लिए मेटा बॉक्स जनरेट हो गया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा काउंटर सेक्शन। तो काउंटर सेक्शन के लिए फील्ड कौन सी है वो चेक कर लेते हैं। काउंटर नंबर टैक्स है और टैक्स इमेज है। तो यहाँ पे हमें चार मेटा बॉक्स क्रिएट करना है, काउंटर वन, काउंटर टू, काउंटर थ्री और काउंटर फोर। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे काउंटर सेक्शन, काउंटर सेक्शन आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रुप, ग्रुप के अंदर फर्स्ट आएगा हमारा काउंटर नंबर वन, नेक्स्ट आएगा काउंटर टेक्स्ट वन, यहाँ पे भी टेक्स्ट वन आएगा, इसको सेव कर देते हैं। अभी काउंटर सेक्शन में हमें जो फील्ड क्रिएट किया है काउंटर नंबर वन और काउंटर टैक्स वन, उसी का ही हम हमें यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसका रीनेम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने काउंटर सेक्शन में काउंटर वन को डुप्लीकेट किया फील्ड को, इसको यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं और टैक्स वन को भी यहाँ पे नीचे से हम ड्रैग कर देते हैं, ये टैक्स को हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, ये नीचे चला गया है, इसको नीचे कर देते हैं। और यहाँ पे हम स्लग चेंज कर देते हैं, उसका नेम और स्लग हमें चेंज कर देना है, काउंटर नंबर टू वन की जगह पे काउंटर नंबर टू, यहाँ पे सेव हो गया। काउंटर नंबर वन, काउंटर नंबर टैक्स वन, काउंटर नंबर टू, काउंटर नंबर टैक्स टू आएगा यहाँ पे। काउंटर नंबर टू टेक्स्ट सेम हमें थर्ड और फोर के लिए करना है, काउंटर नंबर टू को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पे काउंटर नंबर टेक्स्ट टू को डुप्लीकेट करना है, सेव करना है, यहाँ पे सेम रीनेम चेंज करना है, इसको टू को हम नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी हमारे टू की जगह पे हमें थ्री करना है, काउंटर नंबर थ्री, स्लग को भी चेंज करना है काउंटर नंबर थ्री और नंबर टैक्स को हमें चेंज करना है टैक्स थ्री, सेव किया। नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू, नंबर थ्री, अभी करेंगे नंबर फोर, यहाँ पे ड्रैग करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, इसको डुप्लीकेट करना है। कोई भी फील्ड आप एक ही बार क्रिएट कर लेना है, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करके ओनली आपको टेक्स्ट चेंज करना है और सिलेक्ट चेंज कर लेना है, बाकी सब तो आपको रेडीमेड जैसे का वैसा ही आपको क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे हम फोर कर देते हैं, सेव। काउंटर सेक्शंस फोर, काउंटर सेक्शन टैक्स फोर, काउंटर सेक्शन फोर, सेव। बैकएंड में चेक कर लेते हैं हमारा मेटा बॉक्स।
तो यहाँ पे हमारा काउंटर सेक्शन जनरेट हो गया है, यहाँ पे कैच में से हमारा डेटा आ रहा है। यहाँ से अपडेट किया हमने, तो हमें काउंटर सेक्शन के लिए फील्ड क्रिएट कर दिया है, काउंटर नंबर वन, काउंटर टेक्स्ट वन, काउंटर नंबर टू, थ्री, फोर। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है प्रोजेक्ट सेक्शन। अभी प्रोजेक्ट सेक्शन में हमें पोस्ट टाइप क्रिएट करना है, शॉर्टकट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट सिंगल पेज क्रिएट करना है, कस्टम विजेट करना है और रजिस्टर साइड बार करना है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। अभी के वीडियो में ओनली हमें कस्टम फील्ड क्रिएट करके फ्रंट एंड में हम इंटीग्रेशन कर देंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डायनेमिक पोस्ट टाइप क्रिएट करना है, हमारा डायनेमिक जो टीम न्यूज़ सेक्शन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी है वो आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा टीम मेटा बॉक्स, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं टीम सेक्शन। तो टीम सेक्शन के लिए क्या आएगा, यहाँ पे टीम सेक्शन के लिए हम शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि अगर जो हम यहाँ पे स्लाइडर क्रिएट करते हैं तो ये यहाँ पे स्लाइडर नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पोस्ट टाइप भी क्रिएट करेंगे। तो पोस्ट टाइप हम क्रिएट करेंगे तो पोस्ट टाइप से हम शॉर्टकट क्रिएट करेंगे, और शॉर्टकट पे नंबर ऑफ डिस्प्ले 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, और टीम पेज में भी हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे, प्रोजेक्ट के लिए पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे और टीम के लिए पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो मेटा बॉक्स में मेंशन करना हमें रह गया है, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे पोस्ट टाइप क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम कमेंट में ऐड कर देते हैं क्रिएट पोस्ट टाइप फॉर टीम मेटा बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन टेस्टिमोनियल स्लाइडर। तो टेस्टिमोनियल स्लाइडर में मल्टीपल टेस्टिमोनियल है, इमेज है, टाइटल है, पोजीशन है, डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे हम रिपीटर फील्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे व्हाट्स ए क्लाइंट है, ये सेक्शन टाइटल आ जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और ये हमारा रिपीटर फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं अभी टेस्टिमोनियल सेक्शन। टेस्टिमोनियल सेक्शन आएगा, टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए पहले हम यूज करेंगे ग्रुप, और यहां पे हम एक फील्ड क्रिएंगे सेक्शन टाइटल। सेक्शन टाइटल आएगा, नेक्स्ट आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा। डिस्क्रिप्शन के लिए टेक्स्ट एरिया ही यूज करना है, सेव करना है। अभी हमें जो ग्रुप किया उसी के अंदर हमें रिपीटर फील्ड यूज करना है, क्योंकि हमारा सेक्शन एक ही है, और सेक्शन एक सेक्शन के अंदर दो सेक्शन क्रिएट है, एक तो अपना जो मेन कॉमन सेक्शन है और दूसरा हमारा रिपीटर आएगा। तो यहाँ पे हम नया फील्ड ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल स्लाइडर। टेस्टिमोनियल स्लाइडर सेक्शन, इसके लिए हम फील्ड ऐड करेंगे रिपीटर। यहाँ पे हमें रिपीटर ऐड करना है, और रिपीटर में कौन सी फील्ड क्रिएट करना है, हमने फ्रंट एंड में है, इमेज है, टाइटल है, पोजीशन है और डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हम क्रिएट करेंगे टाइटल, सेकंड फील्ड है हमारी इमेज, थर्ड फील्ड है हमारी पोजीशन, टेस्टिमोनियल पोजीशन। यहाँ पे लेआउट में रो करना है,
नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन, टेस्टिमोनियल का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं, एक बार बैकएंड में जाके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन आएगा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके बाद टेस्टिमोनियल स्लाइडर सेक्शन में हम रिपीटर यूज करेंगे स्लाइडर, उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट बॉक्स हो गया है, तो टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कर देंगे रिपीटर फील्ड में। स्लाइडर सेक्शन यहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन की जगह पे हमें ऐड करना है टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पे हमें टेस्टिमोनियल सेक्शन के लिए मेटा बॉक्स क्रिएट किया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा न्यूज आर्टिकल। तो न्यूज आर्टिकल वर्डप्रेस पोस्ट में बाय डिफॉल्ट पोस्ट आता है, तो उसके लिए हमें पोस्ट में एक कंटेंट डाल देंगे यहाँ पे जो भी है फ्रंट एंड में, वो पोस्ट में हम ऐड कर देंगे। और पोस्ट टाइप तो हमारे पास है ही वर्डप्रेस में, तो उसके लिए हम शॉर्टकट जनरेट करेंगे और वो शॉर्टकट यहाँ पे फ्रंट एंड में डिस्प्ले करेंगे न्यूज आर्टिकल के लिए। तो उसका हमें मेटा बॉक्स जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है क्लाइंट सेक्शन, यानी कि उसको आप पार्टनर सेक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे चलो हम नया फील्ड क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड में, क्लाइंट सेक्शन। अभी क्लाइंट सेक्शन आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीटर है, ओके, यहाँ पे स्लाइडर है। तो स्लाइडर के लिए क्या यूज होगा, रिपीटर फील्ड होगा। जहां भी आप रिपीटर यानी कि मल्टीपल कैरोसल देख रहे हो, स्लाइडर देख रहे हो, तो उसके लिए रिपीटर फील्ड यूज करना ही है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा फील्ड में, एक तो यहाँ पे लोगो आएगा और सेकंड आएगा कि लोगो ऊपर लिंक भी आएगा, राइट। तो यहाँ पे ओनली दो फील्ड की जरूरत है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट ले लेते हैं इमेज, इमेज फील्ड आएगा। एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ आएगा यहाँ पे लोगो लिंक, यहाँ पे आएगा लोगो लिंक। यहाँ पे क्लाइंट सेक्शन आप देख रहे हो, क्लाइंट इमेज, लोगो लिंक, यहाँ पे आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हमें बैकएंड में सीएमएस बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को ऐड कर दिया है, अभी हमारा फ्रंट एंड में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो फ्रंट एंड में इंटीग्रेट करने के लिए कैसे करते हैं, तो चलो हम वीडियो को अभी देखते हैं, वीडियो के अंदर कैसे करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्लाइडर है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम यूज करेंगे स्लाइडर सेक्शन है, ये कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो कंटेंट है, सॉरी, हमें यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट डाला था, अभी वापस हमें यहाँ से डिलीट कर दिया, ओके, नो वरीज, ओके। यहाँ पे अभी हम फ्रंट एंड पे वर्क करेंगे, यहाँ पे मैंने ओपन किया है होम पेज। ये हमारा स्टैटिक स्टैटिक कंटेंट है, ये स्लाइडर 1 है, स्लाइडर 2 है, स्लाइडर 3 है। तो अभी हमें क्या करना है, ओनली फोरिच लूप चलाना है यहाँ पे स्लाइडर सेक्शन। तो फोरिच लूप के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे एसीएफ रिपीटर फील्ड, यहाँ पे एसीएफ फील्ड में रिपीटर हमें यूज करना है। तो रिपीटर के लिए यहाँ पे फॉरिच लूप घुमाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पे सर्च करते हैं हम, ये रहा, ओके। यहाँ पे हम यूज करेंगे पीएचपी टैग के अंदर ही यूज करेंगे हम गेट फील्ड। गेट फील्ड का मीनिंग होता है कि आप जो भी फील्ड आपने बैकएंड में क्रिएट किया है एचसीएफ में, वहां से हम गेट कर सकते हैं। तो गेट फील्ड के अंदर हमारी की है, की का नाम है वेरिएबल में पास किया स्लाइडर सेक्शंस,
स्लाइडर सेक्शन को हमें रिपीटर फील्ड में लेना है। तो हमारे पास कितने डिव है, तीन डिव है, 1 2 3। तो हमें ओनली एक ही ड्यू की जरूरत है क्योंकि हमें एक ही ड्यू में हम फॉरिच लूप को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें फॉरिच लूप ऐड करना है, पीएचपी टैग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऐड करेंगे फॉरिच, स्लाइडर सेक्शंस, और यहाँ पे ओनली आएगा स्लाइडर। यहाँ पे फॉरिच लूप स्टार्ट, यहाँ पे फॉरिच लूप एंड, एंड फॉर ईच। अभी यहाँ पे स्लाइडर्स है, स्लाइडर्स के लिए हमें मेटा बॉक्स क्रिएट किया है। स्लाइडर सेक्शन में क्या है, हमारा इमेज का नाम है इमेजेस, ओनली इमेज है। तो हम पहले प्रिंट करके देख लेते कि हमारे आउटपुट क्या आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हम स्लाइडर को प्रिंट आर करते हैं, प्रिंट आर, प्रिंट आर करके इको प्री कर लेते हैं। इससे क्या होता है इको प्री से कि हमारा जो आउटपुट आता है वो एक फॉर्मेट में आता है। आप समझ सकते हो कि यहाँ से अपना फॉर्मेट कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है, बटन लिंक है। ओके, अभी इमेज नहीं आ रहा है। तो इमेज के लिए क्योंकि हमें बैकएंड में इमेज ऐड किया ही नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इमेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम स्लाइडर का इमेज ऐड कर देते हैं। तो स्लाइडर का इमेज कौन सा है, यहाँ पे इमेज 1 जेपीजी यही सर्च कर लेते हैं बैकएंड में। स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। आप एक कंपनी में जॉब करोगे, आप ये वीडियो देखोगे, एक कंपनी में जॉब करोगे तो आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है, राइट। तो यहाँ पे भी सेम करना है, इमेज 1 यहाँ पे सर्च करते हैं, इमेज 1। ओके, हमें बैकएंड में कंटेंट ऐड कर दिया है। अभी हम यहाँ पे व्यू सोर्स में पेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें एरे मिल रहा है, एरे है 1 इमेज है, उसके बाद सेकंड हमारा की है यहाँ पे यूआरएल, मतलब एरे के अंदर दूसरा हमारा पास किया है यूआरएल। तो ये हमारी यहाँ पे इमेज है। तो हमारा कैसे आएगा आउटपुट में, स्लाइडर, इमेज, एरे, उसके बाद नया एक एरे आएगा यूआरएल करके। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे वो वेरिएबल कि जिससे हमारी इमेज आती होगी। यहाँ पे पीएचपी टैग क्लोज स्लाइडर्स, स्लाइडर्स है, स्लाइडर्स के एरे में इमेज, और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा एरे यूआरएल, सिंगल इन्वर्टेड में यूआरएल आएगा। यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट है टाइटल डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट मी। तो हमारा यहाँ पे टाइटल है, टाइटल है, यूआरएल है, टाइटल है हमारा, डिस्क्रिप्शन है, एंड नेक्स्ट हमारा लिंक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टाइटल फील्ड, पीएचपी टैग, इको, स्लाइडर से अंदर हमारा की में आएगा टाइटल, यहाँ पे सेमी कॉलम। सेमी कॉलम हो जाने के बाद हमें चेक करना है कि इस वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हमारी वैल्यू होगी तो हमारा एचटीएमएल शो होगा, या तो हमारा आउटपुट शो होगा, नहीं तो हमारा आउटपुट शो नहीं होगा, राइट। कोई भी कोड करने से पहले कंडीशन चेक कर लेना। यहाँ पे एंडिफाई का नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के लिए क्या करना है, हमें यूज करना है
यहाँ पे हमारा एरिया में आप देख रहे होगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, तो ये कॉपी करके यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, और इज नॉट एम्प्टी कंडीशन है वो यहाँ पे यूज करना है, कंडीशंस यहाँ पे एंड इफ करना है लास्ट में, यहाँ पे एंड इफ करना है। तो चलो हम अभी देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट क्या है। यहाँ पे हम फ्रंट एंड में रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ गया है, आर्किटेक्चर इज अ वन विजुअल आर्ट, आर्किटेक्चर इज अ विजुअल टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर विजुअल थ्री आर्ट। यहाँ पे हमारी इमेज भी आ गई है। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट डायनामिक बॉक्स को, बटन बॉक्स को हमें डायनामिक करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे ACF लिंक फील्ड, यहाँ पे लिंक फील्ड है, तो यहाँ पे आपको ये जो आउटपुट है वो यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, वेरिएबल कॉपी करके बैकएंड में ऐड करना है। ये कॉपी करना है, इसका नाम बटन लिंक है, तो स्लाइडर गेट फील्ड। तो हमारा जो स्लाइडर है एरे, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे बटन लिंक है, तो हमारा बटन लिंक किस में से आएगा, स्लाइडर्स में से आएगा। तो वेरिएबल स्लाइडर एरे क्या है, हमारा बटन लिंक एरे के अंदर हमारी वैल्यू आएगी, की और वैल्यू। यहाँ पे इस लिंक का नाम हम दे देते हैं बटन लिंक, तो हमें प्रॉपर पता चले कि ये बटन लिंक का एरे है। बटन लिंक का एरे सेम यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, वेरिएबल चेंज कर देते हैं। वेरिएबल चेंज करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हमारा जहाँ है PHP टैग के अंदर यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इन्होंने ACF में क्या दिया है वो चेक कर लेते हैं, फर्स्ट चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इफ लिंक है तो अंदर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके okay, तो यहाँ पे बटन लिंक है, तो यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेक करना है कि इफ बटन लिंक यहाँ पे लास्ट में एंड इफ आएगा। एंड इफ आएगा, अभी लिंक है तो लिंक की जगह पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो लिंक की जगह पे यहाँ ने क्या किया है, URL पास किया है HREF में, तो यहाँ पे हम सेम URL पास कर लेंगे, लिंक URL। नेक्स्ट है टारगेट ब्लैंक, तो टारगेट ब्लैंक के लिए यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइटल, तो यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे ऐड करना है लिंक टाइटल, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है चेक आर्ट बटन। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि एरर है, तो एरर किस चीज़ के लिए, तो हम अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे है लिंक URL, टारगेट है लिंक टाइटल, यहाँ पे आएगा हमारा सेमी कॉलम, और रिफ्रेश करते हैं। अभी एक बार हम वापस यहाँ पे कमेंट करते हैं क्योंकि एरर आ रही है हमारी। यहाँ से हम ये निकाल देते हैं, हैशटैग टारगेट में से भी निकाल देते हैं हैशटैग, और यहाँ से भी कंटेंट को हम चेक कर देते हैं। तो और हमारी एरर है इसके अंदर,
और कमेंट करना है कंटेंट। अगर एरर आती है तो वन बाय वन चेक करना है। यहाँ पे एंड इफ यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड इफ स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड इफ क्लोज होता है। स्लाइडर्स तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या इशू था। यहाँ पे एरे आएगा हमारा, यहाँ पे हमें स्क्वेयर ब्रैकेट, यहाँ पे हमें राउंड ब्रैकेट यूज किया था तो उसकी जगह पे हमें स्क्वेयर ब्रैकेट यूज करना था। इसके लिए यहाँ पे एरर शो रही हो रही थी, यहाँ पे बटन नहीं। रिफ्रेश कर रहे थे पेज को। ओके यहाँ पे वापस हम कोड हमारा जैसा था कंट्रोल कंट्रोल वाई कर देते हैं, कंट्रोल वाई कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा जो राउंड ब्रैकेट था उसको हम अभी यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट कर देते हैं, स्क्वेयर ब्रैकेट करके सेव करते हैं। यहाँ पे एरर आ रही है एक, स्लाइडर्स इमेज डिस्क्रिप्शन बटन लिंक लिंक यूआरएल। यहाँ से हम निकाल देते हैं, वापस चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे अभी प्रिंट आ रही करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा एरर बार बार हमारा यहाँ पे एरर आ रहा है, तो हम प्रॉपर यहाँ पे डिबगिंग करते क्या इश्यू है हमारा। डिबग कैसे करना है वो भी आप यहाँ से जान सकते हो। प्रिंटर में डेटा शो हो रहा है, प्रिंटर इसके बाद प्री करना है ऊपर, और नेक्स्ट यहाँ पे कोड देखना है व्यू सोर्स में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टाइटल है, इमेज है, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे बटन लिंक है। तो यहाँ पे हम बटन लिंक ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पे बटन लिंक है। ओके यहाँ पे हमें स्लाइडर यूज किया था इसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। आप देख रहे हो यहाँ पे स्लाइडर मैंने यूज किया था उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। यहाँ पे हम वापस कंट्रोल जेड करते हैं। कंट्रोल जेड करके यहाँ पे हम ऐड करते हैं बटन लिंक। बटन अंडरस्कोर लिंक और चेक करते हैं। ओके अभी हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर है। एक बार हम फॉर्मेट करेंगे कोडिंग को, कोड किया उसके बाद फॉर्मेट करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बटन के ऊपर बटन चेक आर्ट वन, चेक आर्ट टू और चेक आर्ट थ्री। तो अभी हमने जो क्या किया कि स्लाइडर को हमें पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा अबाउट अस सेक्शन। अबाउट अस सेक्शन के लिए क्या करना है, सेम गेट फील्ड यूज करना है, गेट फील्ड को कॉपी करना है। अबाउट अस सेक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम
ऐड करेंगे गेट फील्ड। बैकएंड में क्या फील्ड है हमारा, अबाउट अस सेक्शन के लिए अबाउट सेक्शन, यहाँ पे अबाउट सेक्शन आएगा, यहाँ पे अबाउट सेक्शन आएगा। अबाउट सेक्शन में हमें कौन सी फील्ड यूज करना है देख लेते हैं। सेक्शन टाइटल है, बैकग्राउंड इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज वन इमेज टू। ओके, तो यहाँ पे पहले हम बैकग्राउंड यूज करेंगे, बैकग्राउंड इमेज अबाउट में हम यही एरे का यूज करेंगे। यहाँ पे भी यहाँ पे हमें वेरिएबल का नाम है अबाउट अस सेक्शन, तो यहाँ पे आएगा अबाउट अस इमेज। यहाँ पे पहले प्रिंट आर करते हैं, इको प्री यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेक्शन टाइटल है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आएगा, बैकग्राउंड इमेज आएगा, सेक्शन टाइटल के अंदर सेक्शन टाइटल आएगा। यहाँ से ये कॉपी करना है, यहाँ पे सेक्शन टाइटल आएगा, अबाउट अ सेक्शन एरे है हमारे, यहाँ पे सेक्शन टाइटल, इसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, यूआरएल को निकाल देना है, पेस्ट करना है। नेक्स्ट है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज वन और इमेज टू। यहाँ से प्री हटा देते हैं, हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैकग्राउंड में इमेज आ रही है लेकिन ब्लर इमेज है, ओके, उसकी वजह से प्रॉपर नहीं दिख रही है। और यहाँ पे अबाउट अस से एच टू, तो यहाँ पे हम इसको स्पेलिंग मिस्टेक था, ब्रैकेट क्लोज करना था, यहाँ पे अबाउट अस आ गया है, बैकेंड में से आ रहा है, राइट। यहाँ पे हम चेंज करते हैं कि यहाँ पे अबाउट अस 7-8 करते हैं, चेक कर लेते हैं, 7-8 किया है मैंने, अबाउट अस 7-8, और यहाँ से हम चेक करते हैं, ओके राइट, यहाँ पे ब्रोकर है 7-8 राइट, अपडेट। नेक्स्ट है हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज वन, इमेज टू और बटन लिंक। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, अगर आपको प्रिंट नहीं करना है तो आप बैकएंड में से जो फील्ड है वो भी आप देख सकते हो और उसका एरे आप पास कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइटल है, तो यहाँ पे यहाँ से ही कॉपी करना है आपको, टाइटल ओनली एरे की वैल्यू चेंज करना है, एरे में से जो पास हो रही है वैल्यू उसी को ही चेंज करना है। तो यहाँ से टाइटल ऐड करना है, यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया। अभी हमें यहाँ पे कंडीशन चेक करना है कि इफ इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन हमें हर एक पेज के लिए चेक करना होगा। यहाँ पे मैंने चेक किया है कि अबाउट अस सेक्शन टाइटल इज नॉट ब्लैंक, सेम कंडीशन वी आर एडिंग अबाउट अस सेक्शन डिस्क्रिप्शंस इज नॉट एम्प्टी। एंड इफ, यहाँ पे एंड इफ आएगा,
यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया हमारा डायनामिक। अभी हमें इमेज चेंज करना है, तो इमेज के लिए हमारा एरे की है यहाँ पे इमेज वन और इमेज टू, तो सेम हमें यहाँ से कॉपी करना है कॉपी, और यहाँ से हमारा जो स्टैटिक पाथ आ रहा है उसको यहाँ से हमें डिलीट कर देना है। इसकी जगह पे इको आएगा इमेज बैकग्राउंड की जगह पे हमें यूज करना है इमेज वन और इमेज टू, यहाँ से डिलीट करना है इमेज वन और इमेज टू। और यहाँ पे हम कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। कंडीशन में क्या करना है यहाँ पे कि इमेज वन और इमेज टू इज नॉट एम्प्टी, अगर दो में से एक भी होगा तो भी शो होगा, दोनों में से दो नहीं होंगे तो भी हमारा डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे अबाउट अस इमेज यूआरएल वन दोनों चेक करना है हमारे। यहाँ पे हमें और कंडीशन लगाना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, सेम चीज यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे इफ आएगा कंडीशन, यहाँ पे लास्ट में आएगा एंड इफ आएगा, कंडीशन स्टार्ट एंड कंडीशन क्लोज। इमेज वन यहाँ पे आएगा इमेज टू, इमेज टू एरे की यूआरएल यहाँ पे भी आएगा इमेज टू एरे की यूआरएल। टाइटल डिस्क्रिप्शन में हमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है कंडीशन, अभी हम फ्रंट एंड में चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा फ्रंट एंड में इमेज नहीं आया है, तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि यहाँ पे इमेज में हमें टैक्स यूज किया है तो उसकी जगह पे हमें इमेज यूज करना होगा। तो ऐसी गलती होती है दोस्तों छोटी छोटी, तो उसको सॉल्व करते भी जाना है। इमेज यूज कर लेना है, हमें टैग्स भी यूज किया था। तो यहाँ पे मैंने इमेज वन है और यहाँ पे इमेज टू है, तो इमेज टू करना है यहाँ पे अबाउट अस सेक्शन के लिए। इमेज टू में भी हमें टैग्स भी यूज किया है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इमेज, सेव करते हैं। और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इमेज, एक ए इमेज है हमारी इमेज वन और इमेज टू। ये इमेज वन है अल्फाबेट ये, चलो ठीक है हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। इमेज को हमें अल्टरनेटिव अपडेट किया है, कोई बात नहीं। यहाँ से हम सेव करते चेक करते, ये देखो ये हमारा दोनों इमेज आ गए, यहाँ पे अबाउट अस टाइटल हो गया है, कंटेंट आ गया है, बटन, अभी हमें बटन ऐड करना है। तो बटन भी हमें डायनामिक ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे बटन की फील्ड नहीं ऐड की है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं बटन की फील्ड ऐड करते हैं अबाउट अस सेक्शन में। हम डॉक में मेंशन करना रह गया है कुछ, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम नया फील्ड ऐड कर देते हैं। 2 मिनट लगेगा ओनली, यहाँ से बटन लिंक
फील्ड का नेम आएगा लिंक, यहाँ पे सेव, यहाँ पे आएगा बटन लिंक। बटन लिंक में हम ऐड करते हैं यूआरएल हैश, लिंक टैग्स है हमारा अबाउट अस, ओपन लिंक पेज, यहाँ से हम अपडेट करते हैं। एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि हमें क्या नेम दिया था, बटन लिंक ही है, कोई बात नहीं, बटन लिंक ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमें जो फॉरिश लूप के अंदर बटन वाला जो एरिया हमें यूज किया था, सेम एरिया यहाँ पे हमें यूज करना है। पीएचपी टैग ओपन, पीएचपी टैग क्लोज, अबाउट अस सेक्शन, डॉलर अबाउट अस सेक्शन, एरे में बटन लिंक आएगा, यहाँ पे आएगा लिंक इक्वल टू कंडीशन एंड इफ, इसके लिए रीड आ रहा है, PHP टैग यहाँ पे बटन लिंक आएगा, वेरिएबल बटन लिंक अबाउट अस सेक्शन के अंदर हमारा क्या है, बटन लिंक है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम नीचे बटन लिंक। एंड इफ है, एंड इफ को हमें लास्ट में क्लोज करना है, बटन के नीचे करना है, यहाँ पे आप क्लोज करेंगे एंड इफ। यहाँ पे लिंक यूआरएल में क्या आएगा, जो हमें पहले यूज किया था सेम वही यूज कर लेना है यहाँ पे। वेरिएबल नेम प्रॉपर कन्वर्जेशन होना चाहिए, अबाउट अस है तो अबाउट अस का टाइटल आएगा, यहाँ पे टाइटल के लिए सेम यूज करना है, यहाँ पे जो ऊपर जो यूज किया है लिंक टाइटल, सेम लिंक टाइटल यहाँ पे भी नीचे यूज करना है। लिंक टाइटल उसके बाद है हमारा टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक का एट्रीब्यूट कॉपी कर लेना है और नीचे हमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमें टारगेट लिंक ऐड कर दिया है, यूआरएल ऐड कर दिया है और लिंक टाइटल ऐड कर दिया है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, देख रहे हो यहाँ पे हमें अबाउट अस का जो बटन दिए बैकएंड में, वही बटन यहाँ पे हमें डायनेमिक किया है और यहाँ पे हमें हैश दे के रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो नीचे यूआरएल में हैश आ रहा है, नीचे बॉटम में टास्क बार के ऊपर आर्किटेक्ट हैश आ रहा है। तो हमारा जो अबाउट अस सेक्शन है वो इंटीग्रेट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा अवर स्पेशलाइजेशन सेक्शन, तो उसके ऊपर हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो बैकएंड में हम ओपन करते हैं मेटाबॉक्स, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सेक्शन, स्पेशलाइज सेक्शन में क्या है, टाइटल है, इमेज है, डिस्क्रिप्शन है और बटन लिंक है। तो हम पहले कंटेंट डाल देते हैं, तो हम कोई भी एक ही कंटेंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आर्किटेक्चर डिज़ाइन है और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइटल है, मल्टीपल कंटेंट है। तो हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, टाइटल आर्किटेक्चर डिज़ाइन वन, यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, उसके बाद इमेज है तो इमेज कौन सा है, सर्विस पेज वन, सर्विस डॉट जेपीजी वन, यहाँ पे ऐड न्यू करते हैं, यहाँ पे सर्विस जेपीजी वन ऐड, एड्रो करते हैं, एड्रो के अंदर आएगा हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन टू आएगा टाइटल में, सेम डिस्क्रिप्शन यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा इमेज सर्विस टू, सर्विस टू में ये वाला इमेज यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिंक भी ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा HTML में ही लर्न मोर है, तो उसकी जगह पे लर्न मोर की जगह पे हमारा आएगा लर्न मोर आएगा, लर्न मोर आएगा। यूआरएल में हैशटैग यूज करेंगे,
ओपन न्यू टैब, यहाँ पे हैश लर्न मोर, ओपन न्यू टैब, एड लिंक, दो स्लाइडर हमें ऐड करना है, टोटल चार स्लाइडर ऐड करने हैं, आर्किटेक्चर डिजाइन 2, आर्किटेक्चर डिजाइन 3, सेम डिस्क्रिप्शन यूज करना है, नीचे ऐड करना है, यहाँ पे लिंक में यूआरएल, यहाँ पे आएगा लर्न मोर, लर्न मोर आएगा, ओपन टू न्यू टैब, ऐड लिंक, यहाँ पे हमें यूज करना है सर्विस 3, ये हमारा सर्विस 3 हो गया, ऐड करना है आर्किटेक्चर डिजाइन 4, यहाँ पे सेम डिस्क्रिप्शन, ऐड इमेज में सर्विस, सर्विस 4 आएगा, ये इमेज ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, यहाँ पे सर्विस 4, बटन लिंक यूआरएल हैश, बटन टाइटल टैग्स लर्न मोर, ओपन टू न्यू टैब, ओके, यहाँ पे हमें अपडेट कर दिया है काउंटर सेक्शन के लिए, लेकिन अभी उसको फ्रंट एंड में करना बाकी है, राइट? तो चलो हम उसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे स्पेशलाइजेशन सेक्शन के लिए टाइटल भी है, तो हमें टाइटल भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम बैकएंड में फील्ड क्रिएट कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन सेक्शन है, इसका स्लग थोड़ा चेंज हो गया है, चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें एक फील्ड पहले क्रिएट कर लेना है सर्विस स्लाइडर करके, सर्विस स्लाइडर, और यही फील्ड को हमें पहले रिपीटर में कन्वर्ट करना है। अगर ऐसा जो प्रॉब्लम होता है आपको, तो आपको डिलीट नहीं करना है, तो आपको क्या करना है, नया रिपीटर क्रिएट कर लेना है, रिपीटर, यहाँ पे मैंने रिपीटर ऐड किया। अभी मैंने क्या किया कि सर्विस स्लाइडर का मैंने एक सेक्शन क्रिएट किया, ओके। अभी मेरे को क्या करना है कि इसको है ना ग्रुप करना है, मेरे को स्पेशलाइज सेक्शन को ग्रुप करना है, उसके लिए टाइटल सेक्शन के लिए टाइटल ऐड करना है, और स्लाइडर के अंदर ये चार फील्ड आएगी हमारी। तो आपको क्या करना है कि ये जो आपने जो ग्रुप में बनाया है उसको आपको यहाँ पे रखना है रिपीटर फील्ड के अंदर, ये इमेज फील्ड है, ये डिस्क्रिप्शन है, और ये बटन लिंक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, टाइटल और ये बटन लिंक, बटन लिंक नीचे है, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद वापस चेक करते हैं सेक्शन, स्पेशलाइज सेक्शन, स्पेशलाइज सेक्शन में अभी हमारा रिपीटर फील आ गया है, अभी इसको हम ग्रुप कर देते हैं, ग्रुप करके सेव करते हैं। हमने क्या किया, अभी ग्रुप करके सेव तो कर दिया, लेकिन उसके अंदर हमें एक फील्ड क्रिएट करना है, उसके क्या करना है, सेक्शन टाइटल के लिए। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सेक्शन टाइटल, सेव। अभी हम बैकएंड में जाके चेक कर लेते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे बैकएंड में स्पेशलाइज सेक्शन है, स्पेशलाइज सेक्शन के ऊपर पहले सर्विस सेक्शन टाइटल आएगा, देन आफ्टर सर्विस टाइटल आएगा, यह हमारा है सेक्शन टाइटल, उसके बाद है सर्विस टाइटल, सर्विस टाइटल आएगा, यहाँ पे आ गया है स्लैश, अंदर हमारा सॉरी अंडरस्कोर आ गया है, तो यहाँ से हम अंडरस्कोर पहले निकाल देते हैं,
हमारा जो सेक्शन सेक्शन जो टाइटल है वो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे अभी नेमिंग चेंज कर दिया है। ओके यहाँ पे आया है सेक्शन टाइटल, देन आफ्टर है यहाँ पे आपका रिपीटर स्टार्ट हो जाएगा सर्विस टाइटल। तो अभी सेक्शन का नेम क्या है, अवर स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे आप डाल सकते हो स्पेशलाइजेशन। आप इसकी इमेज का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, और जो बैकग्राउंड में आपको जो वाटर मार्क्स टैग्स दिख रहा है उसी टैग्स भी आप चेंज कर सकते हो, राइट। अब इसी फील्ड का यूज कर क्रिएट करके नया फील्ड क्रिएट करके चेंज कर सकते हो। तो अभी तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे के आपको मैं एक थीम क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसी बेस पे मैं शॉर्ट टर्म में आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे है और स्पेशलाइजेशंस, तो मैंने ऐड कर दिया है स्पेशलाइजेशंस टाइटल, देन आफ्टर यहाँ पे है आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, वापस कंटेंट ऐड करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं कर देते हैं कंटेंट ऐड, यहाँ से ले लेते हैं फटाफट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन वन, आर्किटेक्चर टू कॉपी आर्किटेक्चर थ्री, देन आफ्टर आर्किटेक्चर थ्री फोर आएगा, सॉरी यहाँ पे फोर आएगा। डिस्क्रिप्शन सेम यूज करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट में ऐड करेंगे, सेकंड में यूज करेंगे, थर्ड में यूज करेंगे, फोर्थ में ऐड करेंगे। इमेज हम यूज करेंगे सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस टू, यहाँ पे सर्विस थ्री। मैंने इमेज ऑलरेडी डाल दी है क्योंकि हमें क्या है कि डेवलपमेंट टाइम पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बैकएंड में जैसे सर्च किया वैसे हमें इमेज आ जाएगी, इसके लिए हमें ऑलरेडी इमेज डाल ही दिया है बैकएंड में मीडिया के अंदर। तो आप ये रिपीटर इमेज भी यूज़ कर सकते हो, वन टू थ्री। तो मैंने यहाँ पे दो इमेज रिपीट यूज़ किया है। यहाँ पे बटन लिंक है, तो बटन लिंक का नाम है हमारा लर्न मोर है, तो यहाँ पे हम सारे बटन को लर्न मोर कर देते हैं। यूआरएल में हैशटैग आएगा, लिंक टेक्स्ट है हमारा लर्न मोर आएगा, लर्न मोर ओपन न्यू टैब, इसको भी सेम करना है हैश लर्न मोर एड लिंक। यहाँ पे यूआरएल लर्न मोर एड हैशटैग लर्न मोर ओके। तो अभी हमें सर्विस का जो भी कंटेंट था वो बैकएंड में ऐड कर दिया है, अभी उसको हम फ्रंट एंड में इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे हम क्या चलाएंगे, पहले फोर इच लूप चलाएंगे। हमारा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सर्विस सेक्शन से। तो पहले हम गेट फील यूज कर लेते हैं, अभी यहाँ पे हमने जो कमेंट किया है उसको निकाल देते हैं पहले। जितना क्लीन कोड रहेगा उसको आपको अंडरस्टैंड में अच्छा रहेगा, नेट एंड क्लीन कोड चाहिए। यहाँ पे सर्विस सेक्शन यहाँ पे है स्पेशलाइज सेक्शन फिल ऐड किए। अभी हम क्या करते हैं, पहले तो चेक कर लेते हैं डेटाबेस प्रिंट अंडरस्कोर आर, पहले डीबग करके चेक कर लेते हैं कौन सी फील्ड आ रहा है एरिया में, कि हर बार एरर डिस्प्ले होगी। अगर आप जो एरे की फील्ड रॉन्ग कर दोगे तो आपकी एरर शो होगी। तो यहाँ पे मैं इको प्रिंट किया, यहाँ
यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। राइट, यहाँ पे देखो आप देख रहे हो सर्विस सेक्शन टाइटल है, सर्विस स्लाइडर के अंदर आएगा टाइटल, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो पहले हम यूज कर लेते हैं सर्विस टाइटल। तो सर्विस टाइटल हमें पहले चेंज कर देते हैं, यहाँ पे विजुअलाइज सेक्शन है, तो यहाँ पे हम पीएचपी टैग में इको यहाँ पे आएगा सर्विस टाइटल। देन आफ्टर यहाँ से हमारी फॉर ईच लूप स्टार्ट होगी। कहाँ से होगी फॉर ईच लूप? कैरोसेल के अंदर हमारी फॉर ईच लूप हमेशा स्टार्ट होती है, कैरोसेल के ऊपर नहीं होती है। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि कैरोसेल के अंदर ही हमें फॉर ईच लूप स्टार्ट करना है। तो हमें यहाँ पे मल्टीपल बॉक्स यूज किया है, उसको हमें डिलीट कर देना है और सिर्फ एक ही बॉक्स रखना है, उसी को हमें फॉर ईच लूप चलाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉक्स डिलीट कर दिए, यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। तो ऊपर के सेक्शन में मैंने फॉर ईच लूप यूज किया था, सेम फॉर ईच लूप यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ सर्विस सेक्शन के लिए और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ एक फॉर ईच लूप। पीएचपी टैग स्टार्ट, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सेक्शन, इसके अंदर आएगा स्लाइडर्स। स्लाइडर्स के अंदर हमारा कौन सा एरे है? सर्विस स्लाइडर है। तो यहाँ पे सर्विस स्लाइडर इक्वल टू स्लाइडर की, इसके अंदर एरे में आएगा हमारा सर्विस स्लाइडर सेमी कॉलम। फर्स्ट है हमारा क्या है? टाइटल है। तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे पहले टाइटल, पीएचपी ब्रैकेट स्टार्ट एंड इको कॉपी। यहाँ पे आएगा ब्रैकेट में टाइटल आएगा, सेम चीज यहाँ से कॉपी करना है और डिस्क्रिप्शन के लिए ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन, तो हमें डिस्क्रिप्शन और टाइटल ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आएगा हमारा बटन लिंक, बटन लिंक एरे है, बटन लिंक भी हमें यहाँ पे यूज करना होगा। सर्विस स्लाइडर है, सर्विस स्लाइडर को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं पहले बटन लिंक का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बटन लिंक इक्वल टू कौन सा एरे में आ रहा है? एरे की पास करना है बटन एरे, बटन लिंक पास करना है। यहाँ पे आएगा बटन लिंक आएगा, बटन लिंक कॉपी करना है, सेम कोड यहाँ से कॉपी करना है। इफ कंडीशन और यहाँ पे पीएचपी टैग स्टार्ट एंड यहाँ पे पेस्ट करना है, बटन लिंक है, बटन लिंक है। राइट, ऊपर क्या है हमारा कि यही टैग के अंदर लिंक यूआरएल है, यहाँ पे लिंक यूआरएल ऐड करना है। यहाँ पे लिंक टैग यूज करना है, यहाँ से एच आर एफ आ रहा है, तो एच आर एफ को हम निकाल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी एच आर एफ के अंदर ही है इसके लिए। यहाँ पे मैंने लिंक यू आर एल डाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे टारगेट,
टारगेट एट्रीब्यूट यूज करना है। यहाँ पे टारगेट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम टारगेट ऐड करते हैं। टारगेट नेक्स्ट है हमारा टाइटल, ए टैग के अंदर टाइटल यूज करना है। लिंक वेरिएबल, हमारा लिंक वेरिएबल यहाँ पे टाइटल यूज करना है। और यहाँ पे हमें इमेज भी चेंज करना है, तो इमेज का हमारा कहाँ से आ रहा है, स्लाइडर के अंदर इमेज, और इमेज के अंदर यूआरएल। तो सिंपल क्या करना है, ये जो अभी एसआरसी आ रहा है इसको पहले हटा देना है, इसको हटा देना है। पीएचपी टैग एंड इको इको सर्विस स्लाइडर, सर्विस स्लाइडर के अंदर एरे में है इमेज, एरे की इंडेक्स वैल्यू में है यूआरएल, राइट। अभी हम फ्रंट एंड में चेक कर लेते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे एरर आ रही है 529 होम पेज, 529 में एरर है लास्ट में। तो उसका मतलब है कि हमारा यहाँ पे कई पे तो हमारा एंड करना रह गया है, यहाँ पे हमें एंड इफ क्लोज करना रहेगा, इसके लिए एरर है। यहाँ पे हमें एंड इफ कर दिया है, सेव करते हैं वेबसाइट को। यहाँ पे 50 एक्सपेक्टेड एरर, यहाँ पे चेक कर लेते क्या एरर है। यहाँ पे सेमी कॉलम है, यूआरएल यहाँ पे सेमी कॉलम है, राइट। ऊपर से हम चेक करते हैं क्या इश्यू है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एंड फॉर इच लूप क्लोज नहीं किया है, इसकी एरर है। दूसरी एरर भी आ सकती है, लेकिन जो अभी इश्यू सामने दिख रहा है उसी को हम पहले फॉलो सॉल्व करते हैं। फॉर इच लूप आ गया, इसको क्लोज करते हैं, चेक करते हैं। यहाँ पे फॉर इच लूप है एंड फॉर इच, ये मेरा सर्विस ब्लॉक सेक्शन है। यहाँ पे एंड फॉर इच किया है मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया, ये हमारा स्पेशलाइज सेक्शन है। यहाँ पे स्लाइडर यूज किया, यहाँ पे बटन लिंक है। अभी हम चेक कर लेते कहाँ हमारी एरर आ रही है। तो हम वन बाय वन डिबग करते हैं। डिबग करने में अपना वन बाय वन स्टेप को कोड को कमेंट करते जाना है, नहीं कि उसको डिलीट करना है। तो आप क्या करते हो, सब डिलीट करके रख देते हो, तो आपका टाइम भी उसमें स्पेंड होता है। मैंने सेव किया, चेक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे और भी एरर आ रही है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। अब चेक करते हैं क्या इशू है, और भी एरर है। स्पेशलाइज्ड सेक्शन हमारा जो एरर है उसी के अंदर ही है। तो हम यहाँ से कॉपी करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। सारा कोड हमें डिलीट कर दिया है, तो वन बाय वन हम अभी चेक करते हैं। तो हमारा सर्विस स्लाइडर है वो एरे पहले चेक करते हैं। सर्विस स्लाइडर ऊपर आएगा प्री, प्री टैग सेव,
यहाँ से चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, ऊपर चेक करते हैं विजुअलाइज सेक्शन। यहाँ से फॉर इच लूप को हम कमेंट करते हैं, एंड इच फॉर को भी कमेंट करते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा इश्यू क्या है। तो यहाँ पे सर्विस लैडर को हमें इसमें यूज करना था एरे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सर्विस लैडर है, सर्विस लैडर एरे है हमारा, एरे क्रिएट हो रहा है। तो ये हमें यहीं पे यूज करना था सर्विस लैडर। तो चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे सर्विस लैडर को। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्पेशलाइज सेक्शन, यहाँ पे सर्विस लैडर, वेरिएबल को चेक करते हैं क्या एरर है। यहाँ पे सेमी कॉलम, ओके, अभी जो एरर हमारा आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है। तो अभी हमें इसे फॉरिच लूप के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे हम वापस कमेंट को अनकमेंट करते हैं, सर्विस स्लाइडर, ओके सर्विस स्लाइडर है। यहाँ पे स्लाइडर्स टाइटल्स, स्लाइडर डिस्क्रिप्शंस, बटन को अनकमेंट, यहाँ से एंड इफ अनकमेंट, फॉर इच लूप को अनकमेंट। यहाँ पे इमेज है तो इमेज के लिए हम इमेज ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, यहाँ पे इमेज यहाँ पे आएगा यूआरएल, इमेज का हो गया हमारा, यूआरएल का हो गया। यहाँ पे बटन लिंक ओपन कर देते हैं, ओके। अभी हम चेक कर लेते हैं फ्रंट एंड हमें चेक किया है। फ्रंट एंड में से जो पहले हमें जो प्रिंट किया था प्रिंट को हम निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे इमेज है लेकिन बटन लिंक नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड कर देंगे लिंक को। तो यहाँ पे यही हमें यूज करना है, सेम पहले जो यूज किया था वेरिएबल, वही वेरिएबल हमें नीचे भी यूज करना है। तो यहाँ पे लिंक में URL आएगा। नेक्स्ट हमारा टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे टारगेट ब्लैंक और नेक्स्ट है हमारा टाइटल, बटन का टाइटल आएगा। यहाँ पे आएगा लिंक टाइटल, बटन लिंक। यहाँ पे आएगा स्लाइडर, अभी है टाइटल, टाइटल में इश्यू है। टाइटल में यहाँ पे हमें सर्विस स्लाइडर यूज किया है, सर्विस टाइटल के जगह में यहाँ पे आएगा ओनली स्लाइडर्स आएगा। वेरिएबल नेम प्रॉब्लम था, ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें स्लाइडर सेक्शन ऐड कर दिया है डायनेमिकली। यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा इमेज का इशू आ रहा है, इमेज ऊपर नीचे हो रही है, ओके। तो हम यहाँ से बैकएंड में से इमेज चेंज कर देते हैं। यहाँ से कट करना है, सर्विस ये इमेज ले लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी इमेज है। चलो ये इमेज का यूज करते हैं,
यहाँ पे वन, यहाँ पे सर्विस, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें जो किया था वो हमने यहाँ पे डायनेमिक कर दिया, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है टेक्स्ट, तो वो हम अभी चेक कर लेते हैं। लिंक यूआरएल प्रॉपर है, लिंक टाइटल भी प्रॉपर है, लिंक टाइटल की जगह पे यहाँ पे हमारा ब्लैंक आएगा, टारगेट ब्लैंक वर्ड आएगा और लिंक टाइटल यहाँ पे हमारा टाइटल आएगा। अभी फ्रंट एंड चेक करते हैं। ओके, आर्किटेक्चर डिज़ाइन वन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन टू, आर्किटेक्चर डिज़ाइन थ्री, फोर, वापस हमारा रोटेट हो रहा है। मतलब हमें यहाँ पे फोर इच लूप यूज़ किया है, तो हमें अभी अवर स्पेशलाइज सेक्शन है वो हमें डायनेमिकली इंटीग्रेट कर दिया है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा काउंटर सेक्शन, तो काउंटर सेक्शन के लिए सबसे पहले हम बैकेंड में फील ऐड कर देंगे। फील तो हमें ऐड कर दिया है राइट, तो यहाँ पे हम सॉरी कंटेंट ऐड कर देते हैं उसका, तो कंटेंट में नंबर 40 है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 40 इयर्स, यहाँ पे 40 इयर्स ऐड कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट है 237, 237, यहाँ पे प्रोजेक्ट टेकन है, यहाँ पे प्रोजेक्ट 11K, यहाँ पे 11K है। सारा कंटेंट ऐड कर देते हैं पहले। ट्विटर फॉलोवर्स, ट्विटर फॉलोवर्स यहाँ पे 12, 12 है। अवार्ड वन, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं अवार्ड वन, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद यहाँ पे हम सेव करते हैं, एक्स्ट्रा टैब हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें क्या किया है, बैकएंड में सारा काउंटर्स का कंटेंट हमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, रिच लूप, यहाँ पे हैश की जगह पे हमें हैश लिंक ऐड करना है एचआरएफ में, यहाँ पे भी हैश करना है। यहाँ पे हमें एक कंडीशन भूल गया है, वो कंडीशन ऐड कर देते हैं। प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका, अगर टाइम स्पेंड होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार आप कोड करते हो तो बार बार इश्यू नहीं आना चाहिए, रिवर्क नहीं होना चाहिए आपके काम में। ऐसे एडिट करना है कि रिवर्क नहीं होना चाहिए कोई भी काम। फंक्शनलिटी कम करो लेकिन प्रॉपर करो। पर मैंने कंडीशन ऐड कर दिया है, काउंटर सेक्शन को डायनेमिक कर दे, चलो काउंटर सेक्शन पे आते हैं, काउंटर सेक्शन को डायनेमिक कर देते हैं। इसके लिए गेट फील्ड यूज करते हैं पहले, तो यहाँ पे है गेट फील्ड, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं गेट फील्ड, यहाँ से काउंटर सेक्शन की कॉपी करते हैं, काउंटर सेक्शन की कॉपी, वेरिएबल नेम काउंटर सेक्शंस, प्रिंट अंडरस्कोर आर। अभी यहाँ पे कौन सी फील्ड है कि काउंटर नंबर वन, काउंटर नंबर टेक्स्ट वन, ये कॉपी करते हैं। ये यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं पीएचपी स्टार्ट एंड में इको काउंटर सेक्शंस, यहाँ पे काउंटर नंबर वन, काउंटर नंबर वन, ये वेरिएबल कॉपी,
कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, टैक्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आएगा, काउंटर टैक्स वन। अभी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंटेड पे। ओके, हमारा जो कंटेंट आ रहा है यहाँ पे डायनेमिक आ रहा है, तो यहाँ पे 140, तो 140 की जगह पे हम यहाँ पे 150 करते हैं, 450 कर दिया है। अपडेट, पेस्ट, देख रहे हो 450 यहाँ पे हो गया। ओके, देन सेकंड भी ऐसे ही करना है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ जाके पेस्ट करना है ना, कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, वन की जगह पे टू करना है, देखो ये वाला कॉपी करना है, टाइटल, टाइटल कॉपी करके यहाँ पे टैक्स में ऐड करना है, यहाँ पे टैक्स वन की जगह पे टैक्स टू करना है, यहाँ पे टैक्स टू करना है, टैक्स टू की जगह पे अभी टैक्स थ्री करना है, यहाँ से काउंटर सेक्शन को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, नंबर थ्री की, नंबर टू की जगह पे नंबर थ्री करना है। ये हमारा की नेम हो गया है, यहाँ पे टू की जगह पे थ्री करना है, सेम कॉपी करना है, नीचे पेस्ट करना है, थ्री की जगह पे फोर करना है, डेटा स्टॉप यहाँ पे थ्री की जगह पे फोर करना है। ओके, नाउ चेक कर लेते हैं हम फ्रंट एंड में, यहाँ पे एरर है, काउंटर टैक्स थ्री, काउंटर नंबर थ्री में एरर है। क्या एरर है वो पहले की जान लेते हैं कि क्या यूज किया है यहाँ पे। यहाँ पे देखो काउंटर नंबर थ्री यूज किया है, तो यहाँ पे काउंटर नंबर थ्री है, लेकिन यहाँ पे स्लग मेरे को थोड़ा चेंज दिख रहा है, काउंटर नंबर टैक्स टू कॉपी है, तो यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा। काउंटर नंबर थ्री, ओके, अभी चेक कर लेते हैं बैक फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कंटेंट जो है वो डायनेमिकली ऐड हो गया है, लेकिन यहाँ पे कंटेंट नहीं आया है, तो यहाँ पे हम एक टैक्स डाल देते हैं, टैक्स फ्लावर, तो यहाँ पे हमें काउंटर के लिए इंटीग्रेशन कर दिया है HTML, जो भी डेटा हमारा आ रहा है वो बैकेंड में से आ रहा है। तो अभी हम क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन ऐड करना है। कंडीशन में क्या होगा हमारा, कंडीशन में होगा कि अगर टैक्स हो, अगर नंबर हो तो ही टैक्स आना चाहिए। कॉपी करना है, नेक्स्ट करना है, नंबर टू, ये
यहाँ पे यही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे टू की जगह पे थ्री कर देते हैं, कॉपी टू की जगह पे थ्री आएगा। सेम कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, थ्री की जगह पे फोर आएगा। स्पेस कम कर देना है, इफ इसको कम करना है, और यहाँ पे लास्ट में ओनली इफ आएगा। काउंटर सेक्शंस वेरिएबल नेम चेंज हो गया था, इसकी वजह से नहीं दिख रहा था। तो अभी हमारा काउंटर सेक्शन इंटीग्रेट हो गया है। नेक्स्ट सेक्शन है आवर प्रोजेक्ट। आवर प्रोजेक्ट के लिए तो हमें ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि यहाँ के लिए हम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टीम के लिए भी हम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर। टेस्टिमोनियल स्लाइडर के ऊपर हम वर्क स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्लाइडर है, यहाँ पे हम टाइटल डिस्क्रिप्शन वो दोनों हमें एक फील्ड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से फील्ड क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड में जाके। तो लास्ट टाइम भी हमें यही किया था और अभी भी हम यही करेंगे कि यहाँ पे हमें रिपीटर फील्ड यूज किया है, हमें ऑलरेडी यूज कर दिया है यहाँ पे सेक्शन टाइटल और डिस्क्रिप्शन। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम टाइटल यूज करेंगे, सेक्शन टाइटल यहाँ पे आएगा, डिस्क्रिप्शन उसके बाद टाइटल है, टाइटल है और पोजीशन है। टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है, तो सेम ही है यहाँ पे सेम नेम। हम यहाँ में 1 2 3 यूज करेंगे, इसका मतलब कि हमें पता होना चाहिए क्या यूज कर रहे हैं, डायनामिक हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हम थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट सेक्शन के लिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, यहाँ पे टीम सेक्शन है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो बैकएंड में हमारा की नेम है टेस्टिमोनियल सेक्शन, इसका हमारा टाइटल है पीएचपी टैग, इको इसके अंदर हमारा है सेक्शन टाइटल, एरे में पास करना है सेक्शन टाइटल, सेम चीज कॉपी करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के लिए आएगा सेक्शन डिस्क्रिप्शन एरे की के अंदर, यहाँ पे टैग्स में आएगा सेक्शन डिस्क्रिप्शन, चेक कर लेते हैं हम बैकएंड में, बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों चेक करते जाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कंटेंट नहीं आया है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। प्रिंट अंडरस्कोर आर चेक कर दे, नहीं आया होगा क्योंकि यहाँ पे हमें बैकएंड में कंटेंट ही नहीं ऐड किया है, तो कहाँ से आएगा राइट। तो चलो, तो हम पहले प्रिंट अंडरस्कोर आर करके देख लेते हैं। प्रिंट अंडरस्कोर आर सेक्शन टाइटल अपडेट, शायद अपडेट करना है क्या होगा, अभी चेक कर लेते हैं यहाँ से वापस। ओके, यहाँ पे आ गया, अपडेट करना रह गया था, इसके लिए नहीं आ रहा था, अभी आ गया है। चलो ठीक है, यहाँ पे हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमें ऐड कर दिया है।
अभी हमें ऐड करना है स्लाइडर के लिए। स्लाइडर के लिए सेम करना है जैसे हम सर्विस में किया था वैसे ही करना है। तो पहले चेक कर लेना है कि कैरोसेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमें एक ही ब्लॉक की जरूरत है टेस्टिमोनियल की। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये कैरोसेल मेन ड्यू है और उसके नीचे टेस्टिमोनियल ब्लॉक है। तो ये सारे ड्यू हमें यहाँ से रिमूव करना है। टेस्टिमोनियल इसको रिमूव करना है, सेकंड वाले को भी रिमूव करना है। सेकंड वाले को हमें रिमूव कर दिया है। अभी आप बैकेंड में देख रहे हो कि यहाँ पे टेस्टिमोनियल सेक्शन करके रिपीटर फील यूज किया है। तो हमें इसको यूज करना है। ये कैसे यूज करते हैं कि यहाँ पे हमें ग्रुप किया है, वो ग्रुप की की हमें इसको अंदर असाइन करना है, तब जाके आपको रिपीटर फील की फील्ड मिल सके। जैसे हमें सर्विस की किया है वैसे ही सेम टेस्टिमोनियल के लिए करना है। तो हम सर्विस की कीवर्ड ही पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सर्विस की यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं टेस्टिमोनियल के लिए। यहाँ पे हमारा टेस्टिमोनियल सेक्शन में ये कॉपी वेरिएबल यहाँ आएगा। यहाँ पे टेस्टिमोनियल स्लाइडर सेक्शंस, टेस्टिमोनियल स्लाइडर सेक्शंस, यहाँ पे हम कंटेंट ऐड कर देते हैं। पहले बैकेंड में जो कंटेंट है वो हम पहले फ्रंट एंड में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे जैन स्मिथ, जैन स्मिथ इसका पोजीशन है, इन डिजाइन इसका डिस्क्रिप्शन ये। तो यहाँ पे हम चार पांच ऐड कर देते हैं। और ये फोटो है, फोटोज भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं थंब वन करके है। यहाँ पे मैंने फोटो ऐड कर दिया है। ये टेस्टिमोनियल वन हो गया, ये सेकंड हो गया। सेकंड में मैं वन कर देता हूँ, इसमें मैं ऐड कर देता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ पे कुछ चीज़ एक्स्ट्रा है तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। इसके लिए यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे टू कर देता हूँ। जो चीज़ मेन है, जो चीज़ सीखने जैसी है, वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मैंने इग्नोर कर दिया है। थ्री आएगा, यहाँ से हम यूज करेंगे थंब। यहाँ पे आएगा थंबनेल। यहाँ पे टेस्टिमोनियल में मैंने तीन कंटेंट डाला है, मतलब तीन रो मैंने डाला है। तो हम पहले तीन रो का यूज कर लेते हैं प्रॉपर। इसकी पोजीशन है, यहाँ पे हम ऐड करते हैं पीएचपी डेवलपर अपडेट। कंटेंट को अपडेट किया, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप स्टार्ट करते हैं। टेस्टिमोनियल ब्लॉक फॉर ईच लूप हमें कहाँ लिया था, सर्विस बॉक्स के लिए यूज किया था। तो सेम हमें यहीं से फॉर ईच लूप यूज करते हैं सर्विस बॉक्स के लिए। यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे प्रिंट आ रही इसको निकाल देते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे हम एव कैरोसेल के नीचे सर्विस के लिए टेस्टिमोनियल, टेस्टिमोनियल स्लाइडर। यहाँ पे आएगा ऑन द टेस्टिमोनियल स्लाइडर, यहाँ से फॉर ईच लूप स्टार्ट। टेस्टिमोनियल ब्लॉक है, यहाँ से आएगा फॉर ईच लूप एंड। फॉर इच एंड, एंड फॉर इच आएगा। अभी हम चेक कर लेते कि एरे के अंदर वैल्यू कौन सी है।
यहाँ पे है टाइटल, इमेज, एचटीएमएल, पोजीशन और डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम ये वेरिएबल यूज करते हैं टाइटल के लिए। टाइटल्स इको टेस्टिमोनियल स्लाइडर, ये लेके अंदर टाइटल। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, हमारा यहाँ पे आएगा स्पान टैग में। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के लिए यूज किया है, डिस्क्रिप्शन ही है यहाँ पे, सॉरी डेजिग्नेशन है, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा और ऊपर हमारा डिस्क्रिप्शन आएगा। ऊपर हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग आएगा। डिस्क्रिप्शन टैग आएगा, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा जेन स्मिथ, यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर। सेकंड, यहाँ पे एक कॉमा का एरर आ रहा है यहाँ पे, ओके नो वरीज। तो यहाँ पे है हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर को हमने इंटीग्रेशन कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे वर्डप्रेस डेवलपर आया है, यहाँ पे पीएचपी डेवलपर आ रहा है यहाँ पे, और अभी अब यहाँ को हम एम्प्टी कंडीशन ऐड कर देते हैं। कंडीशन लगाना भूल गए तो कंडीशन ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इफ इज नॉट एम्प्टी, इफ इज नॉट टाइटल एम्प्टी। तो हमारी कंडीशन में आएगा इफ इज नॉट डिस्क्रिप्शन एम्प्टी, यहाँ पे एंड इफ यहाँ पे एंड इफ आएगा। यहाँ पे नीचे टाइटल है, तो टाइटल के लिए कंडीशन ऐड करेंगे टाइटल इज नॉट एम्प्टी। इसको कॉपी करते हैं, इसके आगे आएगा एंड इफ टेस्टिमोनियल पोजीशंस एंडिफाइड। राइट, तो आज की वीडियो में हमने किया है स्लाइडर पे इंटीग्रेट किया है, अबाउट सेक्शन किया है, स्पेशल सेक्शन किया है, काउंटर सेक्शन किया है, नेक्स्ट हमें यूज किया है टेस्टिमोनियल सेक्शन किया है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज हमें इंटीग्रेशन किया है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।